हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी हेड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन, और आज हम इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे वन शॉट लेक्चर में सारे फार्मूलाज ऑफ चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के जितने भी फार्मूलाज हैं इस लेक्चर से आप क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बने रहें चैनल के साथ, वीडियो के एंड तक बने रहें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स लोगों के अंदर शेयर भी करें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इस लेक्चर के अंदर आपको डिलीट पोर्शन नहीं करा रहा, क्योंकि वो डिलीट पोर्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। जब CBSE ने मना कर दिया तो मत पढ़िए। इसके अंदर आपको सिर्फ 3 ही 3D फिगर पढ़ना है। एक कौन पढ़ना है, कौन नहीं, राइट सर्कुलर कौन, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन और राइट सर्कुलर कौन में क्या डिफरेंस होता है। और आपको दूसरा पढ़ना है स्फीयर और तीसरा पढ़ना है हेमी स्फीयर। इनके सारे फार्मूलाज वन बाई वन और फिगर को भी समझेंगे कि फिगर के अंदर कौन सी चीज़ को क्या कहा जाता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राइट सर्कुलर कौन की। टेढ़ी टेढ़ी राइट सर्कुलर कोन, कोन और राइट सर्कुलर कोन में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। और कोन में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, कोन बनेगा कैसे, अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूं, कोन का आपने देखा होगा कि जोकर की जो कैप होती है वो भी कोन की तरह होती है। आइसक्रीम का जो नीचे का हिस्सा होता है जिसके अंदर आइसक्रीम फिल करते हैं वो भी कौन से शेप में होता है, कोन की शेप में होता है। आपने रोड साइड देखा होगा कि बैरिकेड लगा दिए जाते हैं किसकी फॉर्म में, कोन की फॉर्म में। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कोन की फॉर्म में बहुत सारे फिगर मिलते हैं और कहीं ना कहीं आपको उसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी एरिया निकालने के लिए, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए और वॉल्यूम निकालने के लिए। तो देखिए, इसका हम किस तरह से फॉर्मूला बनाएंगे और फिगर को कैसे समझेंगे। देखिए, अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूँ तो अगर मान लो आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, राइट। अब इससे मैं कोण 3 तरह से बना सकता हूँ। कैसे, कि अगर आप इसको देखेंगे, ये वाली जो साइड है कोण ए बी ट्राइंगल की, ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं ए बी को फिक्स कर दूँ, फिक्स का मतलब इसको मूव नहीं कराना है, इसको ऐसे ही रखना है, और बी सी को इसके अराउंड क्या करा दूँ, मैं मूव करा दूँ, तो मूव कराऊँगा तो बी सी इतना इधर ही आएगा, देखो ये और ये, थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए इसको। अब आप देखिए, जब इसको इससे मूव कराएंगे इस तरह से, तो जो नीचे का बेस होगा वो आपका सर्कुलर हो जाएगा, और इसको इससे मिला देंगे तो ये यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक कोन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो लाइन होती है ये इसकी कहलाती है वर्टिकल हाइट, है ना, और इसको हम एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिस। ये कहलाती है रेडियस, ये क्या कहलाती है, रेडियस। रेडियस को आर से दिखाएंगे, वर्टिकल हाइट को हम एच से दिखाएंगे, राइट। और इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है उसको हम बोलते हैं स्लेंट हाइट। क्या बोलेंगे इसे, स्लेंट हाइट। और स्लेंट हाइट को हम किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं। लेकिन इस केस में अगर आप एक्सिस के अलॉन्ग इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कोण मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, कोण बनाने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि कोण किस तरह से बनता है। एक और देखते हैं, देखिए आपने एक और राइट एंगल ट्राइंगल लिया, दैट इज ए बी सी, ये इसका क्या कहलाता है, एक्सिस कहलाता है, राइट। और भी देखिए, ये नीचे का ये जो दिख रहा है ना आपको सर्कुलर पार्ट, ये कहलाता है आपका बेस। ये जो टॉप दिख रहा है ना, ये कहलाता है आपका वर्टेक्स, कोन का क्या कहलाता है, वर्टेक्स। और ये जो स्लेंट हाइट के बीच का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंगल। क्या कहलाता है ये, वर्टेक्स एंगल, राइट। और आपकी ये स्लेंट हाइट हो गई, ये एक्सिस हो गया, बेस हो गया, रेडियस हो गया, ये सारे पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, पिछले वाले केस में इसके अंदर हमने किसके अबाउट रोटेट करा था, एक्सिस के अबाउट रोटेट करा था, है ना। अब हम बेस के अबाउट इसे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, मतलब बेस को कांस्टेंट रखेंगे और इसको इस तरीके से क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे जाएगा ये, और जब इस तरह से इसको रिवॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका बेस जो है वो इस साइड बनेगा, दिस वन। और इसको मैं इससे अगर मिला दूँ तब भी हमें कितने कोण मिलेंगे, एक ही कोण मिलेगा। लेकिन इसमें इसमें क्या फ़र्क है, इसमें इसमें ये फ़र्क है कि इस फिगर में जो रेडियस थी वो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगी, वर्टिकल हाइट हो जाएगी, और इसमें जो हाइट थी वो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। लेकिन आपका जो स्लेंट हाइट है वो उतना ही रहेगा, स्लेंट हाइट वही रहेगा, ठीक है। अब एक केस और बताता हूँ मैं। अब मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से है,
ये कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। तो वो 90 पे कितना था? बी था। ये कौन है? ए है। और ये कौन है? सी है, राइट। ये वाली साइड इधर है और ये वाली साइड ये है, और ये तुम्हारा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि तीन साइड में दो को तो आपने कांस्टेंट रख दिया, एक किसको? बेस को कांस्टेंट रख दिया था आपने, है ना, इसके अबाउट रिवॉल्व करा था। अब आपने हाइट को कांस्टेंट रखा था तो इसके अबाउट रिवॉल्व कर दिया था। अब हम हाइपोटेन्यूज को क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे और इसके रिवॉल्व से क्या करेंगे? अबाउट रिवॉल्व करेंगे। तो जितनी हाइट इसकी ऊपर है उतनी नीचे की साइड आएगी, रिवॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये बेस बनेगा इसका, और इस तरह से आपको जो कोन मिलेंगे वो एक कोन नहीं होगा, कितने कोन होंगे? दो कोन मिलेंगे इसके अंदर। एक कोन आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसमें ये जो हाइट होगी वो इसके लिए स्लैंट हाइट हो जाएगी, और इस वाले कोन में इसके लिए ये स्लैंट हाइट हो जाएगी। इसकी स्लैंट हाइट अलग होगी, उसकी स्लैंट हाइट अलग होगी, राइट। ये इसके लिए यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल हाइट हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक इसके लिए वर्टिकल हाइट हो जाएगी। तो इसका डिटेल आपको 10th क्लास में पढ़ना है। बस 9th क्लास में ये पूछेंगे कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइट के अबाउट अगर आप रिवॉल्व करते हैं तो कितने कोण बनते हैं? ओनली वन। अगर आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल के बेस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो कितने कोण बनते हैं? ओनली वन। अगर आप हाइपोटेन्यूज के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो कितने कोण बनेंगे? दो। ये लिख लीजिए, यहाँ पर कितना कोण? वन कोण। यहाँ पर भी कितना? वन राइट सर्कुलर कोन, पूरा लिखेंगे वन राइट सर्कुलर कोन। और यहाँ पे कितने? टू राइट सर्कुलर कोन, इसे नोट कर लीजिए। अब आपको कोन बनाना आ गया है, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मूलाज के ऊपर बात करेंगे, या सबसे पहले बात करेंगे कि ये राइट सर्कुलर कोन क्यों कहलाता है, कोन क्यों नहीं कहलाता है। तो देखिए, अब मान लो एक आपके पास एक कोई कोन है, उसका बेस तो आपके पास सर्कुलर है, लेकिन उसकी स्लैंट हाइट डिफरेंट है। भाई ये स्लैंट हाइट ज़्यादा होगी और ये वाली क्या होगी? कम होगी। तो ये कोन तो है लेकिन राइट सर्कुलर कोन नहीं है। आ रही बात समझ में? जिसका बेस क्या हो? सेम हो, सर्कुलर हो, लेकिन इसी की तरह सेम हो सर्कुलर, लेकिन स्लैंट हाइट डिफरेंट हो, तो ये राइट सर्कुलर कोन नहीं कहलाएगा। उल्टा, अगर किसी का बेस सर्कुलर नहीं है, क्या नहीं है? सर्कुलर नहीं है, लेकिन स्लैंट हाइट बराबर है, तब भी ये राइट सर्कुलर कोन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका बेस कैसा होना चाहिए? सर्कुलर होना चाहिए। तो राइट सर्कुलर कोन और कोन में क्या डिफरेंस है, समझ में आया? इसीलिए हम जब भी पढ़ते हैं तो ये जरूर बोलते हैं कि राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन में स्लैंट हाइट बराबर होना चाहिए और बेस क्या होना चाहिए? सर्कुलर होना चाहिए, दोनों केस आना चाहिए। अब इसमें वन बाई वन फार्मूला की बात करते हैं। नंबर वन, देखिए इसके अंदर दो तरह से सरफेस है, एक तो मुड़ी हुई है चारों तरफ से, है ना, ये देखिए ये कोन का ये हिस्सा कर्व है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया, लेकिन कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें चाहिए स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लैंट हाइट के बारे में, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन एच आर एंड एल। अब देखिए यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, हम यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो एल स्क्वायर किसके बराबर होगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो गया स्लैंट हाइट का, पहला फॉर्मूला, राइट। दूसरा फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कर्व सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर एल। एल अगर आपको डायरेक्ट दिया है तो आप यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं, अदरवाइज आपको एल निकालने के लिए इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तीसरा फॉर्मूला होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या कहलाता है? देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, आप दिमाग में ऐसे रखें कि जिस जिस एरिया पर अगर आप पेंट कर सकते हैं तो समझ लो वो सरफेस एरिया है। और टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आप टोटल जितने भी सरफेस हैं जहाँ जहाँ आप पेंट कर सकते हैं वो भी सब आप इंक्लूड कर लीजिए। अब देखिए मैं चारों तरफ पेंट कर सकता हूँ इसमें, तो कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, कर्व सरफेस एरिया। और नीचे भी पेंट कर सकता हूँ क्योंकि कौन तो एक 3D फिगर है, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, उठाकर इस तरह से देख सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। ये सभी हम कैसे फिगर पढ़ रहे हैं? 3D फिगर्स। कौन से फिगर्स हैं ये? 3D फिगर वो होते हैं जिनके अंदर हाइट होती है, राइट, या जिनका वॉल्यूम निकलता है, वो कहलाते हैं आपके 3D फिगर्स। तो नीचे का बेस एरिया भी लेंगे हम, कौन सा एरिया? बेस एरिया। तो बताइए कर्व सरफेस एरिया कितना है? पाई आर एल।
और बेस कौन है, सर्कल है, कौन है, सर्कल है, दिख रहा है ये, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर, दिस इज कॉल्ड टी एस ए, शॉर्ट में लिखते हैं हम टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। तो तीन फॉर्मूले आपने पढ़ ली यहाँ पर कोन के, एक क्या है स्लेंट हाइट, दूसरा क्या है कर्व सरफेस एरिया, तीसरा क्या है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया सिर्फ वो कहलाता है जो कर्व होता है, मुड़ा हुआ होता है, घुमा हुआ होता है, अरिवा सच में, जिसमें सरफेसेस नहीं होते हैं, सिर्फ घुमा हुआ होता है, जैसे कोन का चारों तरफ का हिस्सा क्या कहलाएगा, कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में जितने सरफेस होते हैं सबको आपको क्या करना है, एरियाज को ऐड करना है। तो ये बात हो गई आपकी राइट सर्कुलर कोन की। आगे बढ़े चले, अब हम बात करेंगे स्फीयर की, राइट। अब स्फीयर क्या होता है, स्फीयर एक 3D फिगर होता है, राइट। और स्फीयर का अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो क्या क्या एग्जांपल बोल सकता हूं, जैसे मार्बल, अपनी भाषा में बोलते हैं कंचा, है ना, कंचा 3D फिगर होता है क्योंकि उसमें हाइट होती है। अगर मैं बोर्ड पे बनाऊं स्फीयर को, दूसरा आप 3D फिगर पढ़ रहे हैं स्फीयर, तो आपको ये बोर्ड पर तो कैसा लगेगा, सर्कल की तरह लगेगा, सर्कल इज नॉट द 3D फिगर, सर्कल 2D फिगर होता है। जैसे आप ज़मीन पर इस तरह से एक कुड़रिया बना दो या फिर ऐसे सर्कल बना दो तो उसके अंदर हाइट नहीं होगी, वो कैसे दिखेगा, सर्कल दिखेगा। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 3D बनाऊँगा इस तरह से, टेढ़े 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 टेढ़े। अब देखा, अब ये कुछ सर्कल की फॉर्म में नहीं है, अब ये 3D फॉर्म में है। जैसे लड्डू, लड्डू भी क्या होता है, स्फीयर की तरह होता है। कंचा, कंचा भी क्या होता है, स्फीयर की तरह होता है। तो आई थिंक सो आपको फील आ गया होगा कि 3D फिगर में स्फीयर कौन कौन से शेप में होते हैं, लड्डू की फॉर्म में होता है, राइट, और मार्बल्स की फॉर्म में होता है। अब इसमें एक फ़ायदा ये है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, है ना, दैट इज़ कॉल्ड आर, रेडियस। ये इसकी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। अगर मैं हाइट की बात करूं तो वो रेडियस की फॉर्म में होगी, ये आर है, ये आर है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 2R। तो आपको हाइट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर जितना भी एरिया है वो सब घुमा हुआ एरिया है, मोड़ा हुआ एरिया है, कर्व एरिया है। तो इसके अंदर टोटल जो भी सरफेस एरिया है वो कर्व सरफेस एरिया ही है इसका, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका सरफेस एरिया। अब आप बोलोगे सर कर्व क्यों नहीं बोल रहे, आप बोल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आप सिर्फ इस सरफेस एरिया ही बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कर्व के अलावा और कोई एरिया है ही नहीं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr² ऐसे लिखिए, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू कितना, 4πr². ये फॉर्मूला आप पहला याद रखेंगे इसका, स्फीयर का, राइट। अब इसके अंदर कोई प्लेन एरिया है ही नहीं तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा हम बात करेंगे इसके अंदर वॉल्यूम के, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होता है 4/3πr³। इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³। अब यार ये फॉर्मूले से क्या होता है, बच्चों को बड़े इरिटेशन होती है क्योंकि अगर रेडियस आपके पास अजीब सी रेडियस आ जाए 10.5, तो तीन बार उसका आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है, चैनल के साथ बने रहें, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा आपको NCERT की 1x1, आप वहाँ पर कैलकुलेशन को देखिए कि कितना सिंपल वे में करूँगा मैं इसको, राइट। अगला पढ़ते हैं, अगर मैं लड्डू को या मार्बल को बीचों बीच से इस तरह कट करूँ कि वो एक प्लेन से क्या होना चाहिए, कट होना चाहिए, मतलब आड़ा टेढ़ा कट नहीं करना है आपको, सरफेस से पैरेलल क्या करना है, ये सरफेस है इसका, ये सरफेस है जहाँ पर रखा हुआ है, इसके पैरेलल अगर मैं कट करूँ तो आप नोटिस करेंगे ये चीज़ हट जाएगी यहाँ से, राइट। अब ये जो आपको फिगर मिलेगा तो नोटिस करिए क्या कहलाएगा, ये आधा स्फीयर कहलाएगा क्या कहलाएगा, आधा स्फीयर, और आधे स्फीयर को हम बोलते हैं हेमी स्फीयर, टेढ़े टेढ़े क्या बोलते हैं, हेमी स्फीयर। देखिए हेमी स्फीयर क्या होता है, अब हेमी स्फीयर में एक चीज़ और बढ़ जाती है, क्या कि कर्व तो पहले था ही पूरा, लेकिन अब इसको कट मारने से एक प्लेन एरिया और आ गया इसके अंदर, तो इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया भी निकलेगा। तो पहले हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर, बताइए स्फीयर का कितना था, 4πr², इसका आधा कर दीजिए 2×2=4, तो कितना आएगा 2πr², 2πr², ये इसका हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो गया, राइट। अब हम इसका निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल में ये कर्व आएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस
बेस एरिया आएगा, बेस एरिया तो कट सरफेस एरिया किसका, हेमी स्फीयर का कट सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर कितना, 2πr² और बेस कितना है, πr², तो दो और एक कितने हो गए, 3πr², दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, 3πr². इसमें नहीं था टोटल सरफेस एरिया क्योंकि उसमें था ही नहीं, है ना। चलिए अब बचा वॉल्यूम, तो देखिए वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये लिखेंगे आप यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो देखिए जब इसको आप आधा कट मार देंगे तो आधा लड्डू सोनू ने खाया, आधा लड्डू मोनू ने खाया, तो कितना कितना खाया, आधा ही तो खाया ना, तो आप वॉल्यूम का क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, तो दो से इसको कट मारेंगे तो 2×2=4 हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये 2/3πr³, ये हो गए आपके फार्मूलाज, राइट। तो इस तरह से आप सारे फार्मूलाज को क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, बने रहें चैनल के साथ, अगले वीडियो का वेट करिए, आपको NCERT की 1x1 क्योंकि अभी आपके फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं फैब के अंदर या मार्च के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए आप क्या करें, प्रैक्टिस करें सारे चैप्टर्स की 1x1।